यहाँ पे बनाए जा रहे हैं गर्मा गर्म परौंठे। कहाँ से? चेन्नई से। यूट्यूबरा हैप्पी बर्थडे टू यू। पानी नीचे से ही भर के ले जाना पड़े। टोकन मिल चुका है और अब मैं लखनऊ से आई हूँ कैलाशी पूर्णिमा वर्मा पार्वती मासी के घर से। गणेश पार्क दिख गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली। तो फ्रेंड्स, मैं मंजू नालंदा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल मैं किन्नर कैलाश की यात्रा आप लोगों को भी करवा रही हूं और खुद भी कर रही हूं। तो किन्नर कैलाश की यात्रा का आज दूसरा दिन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक ब्लॉग यानी कि एक भाग मैंने शेयर कर दिया था, तो तीन भागों में मैं इसको शेयर करने वाली हूँ, नहीं तो एक भाग बहुत लंबा हो जाता और फिर आप लोग देख नहीं पाते। तो हमेशा आप लोगों को किन्नर कैलाश दर्शन सांगला से करवाती थी, लेकिन आज मैं आप लोगों को लाइव वहां पे जाके दर्शन करवाऊंगी। खैर, आज तो नहीं पहुंच पाएंगे, आज सिर्फ गणेश पार्क तक ही पहुंचेंगे। तो चलिए देखते हैं गणेश पार्क का आज का सेकंड ब्लॉग यानी कि दूसरा भाग। तो बने रहिए आप लोग इस ब्लॉग में और कीजिए एंजॉय। थके। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप कमी नहीं है, तो इनके दरबार में भी आके किसी चीज की कमी नहीं होगी आप लोगों को। और आप जरूर आइए, मैं सभी श्रद्धालुओं से ये विनती करती हूँ कि आप जरूर आइए, फ्री सेवा का आनंद जरूर लीजिए। यहाँ से ही यात्रा शुरू होती है तंगलिंग गांव से। तंगलिंग गांव से जी। जो हमारे मतलब यहाँ पे जो भी है श्रद्धालु आते हैं, तो हम अपनी पूरी कोशिश के साथ उनको मतलब यात्रा का जो शुभारंभ होता है उसको हम सही तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो आप भी इस फ्री सेवा का आनंद ज़रूर लीजिए। 1 से 15 तक हमारी जो है फ्री सेवा होती है, तो आप ज़रूर यहाँ पे आइए। पूर्वाथ निवास हमारा होम स्टे, तो यहाँ पे ज़रूर आइए। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जी, जय भोले। यहाँ देखिए जी, किरण हो गई है रेडी अपने जूते पहन के, एक्शन का स्कूल टाइम। तो किरण ने स्पेशल मोची से जूते बनवाए हैं अपने, वही किरण खतरनाक। और ये है तंगलिंग गांव। ये मॉर्निंग 6 बजे का मैं आप लोगों को व्यू दिखा रही हूँ। 6 बजे कुछ इस तरह से तंगलिंग गांव का नज़ारा, बहुत ही प्यारा। और ये है वो घर तंगलिंग गांव में जहाँ पे हमने स्टे किया आज रात को, पिछली रात को यानी। तो आज सुबह हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई और जितने भी श्रद्धालु है यहाँ पे सब मिल के जा रहे हैं। इनकी यात्राएँ कंप्लीट हो चुकी है, अब ये वापस जा रहे और कुछ यहाँ पे आ रहे कुछ जा रहे, इस तरह से चला हुआ है। तो ये देखिए मिल के जा रहे पार्वती मासी जी को, और मासी जी लगे हैं सुबह से यहाँ पर झाड़ू पोछा करने के लिए, ये देखिए। और आज है सावन का 4th सोमवार, तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। और आज सोमवार भी है और हम लोग भोलेनाथ के दरबार जा रहे हैं, बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे लिए। और यहाँ पे हो रहा है अभी ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में, ये देखिए किरण की थाली में लग गया है पोहा, मूंगफली, चाय, चटनी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है सेब के बगीचे में बैठ के, सेब का ही। तो ये देख सकते हैं क्योंकि मेरा व्रत है, मैं सावन के सोमवार के व्रत ले रही हूँ और आज मुझे फ्रूट्स के ही सहारे अपनी यात्रा तय करनी है। तो देखते हैं कितनी होती है। यहाँ पे कुछ और किरण, ये क्या लगे पलम लगे यहाँ पे, है ना? ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे कितने काले काले पलम लगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पलम का पेड़ भी है, ये देखा है ना,
मैंने सोचा सेब ही लगे यहाँ पे, यहाँ पे पलम भी है भाई, पलम भी है साथ में। तो मैं ये एप्पल और ये नाशपाती खा लेती हूं। अभी हम लोग पहुंच गए हैं टोकन लेने के लिए। सबसे पहला काम टोकन लेना, जो पिछले कल नहीं मिला। और यहाँ पे भीड़ पहले ही देख सकते हैं आप लोग, इतने सुबह सुबह इतनी भीड़ लग गई है, भयानक वाली। पता नहीं कब नंबर लगेगा हमारा, जल्दी आ जाओ भाई जल्दी। तो फ्रेंड्स, किन्नर कैलाश की यात्रा के दौरान अगर आप लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग करवाई है तो आपको यहाँ पे टोकन जल्दी दिया जाएगा, और अगर आप ऑफलाइन यहाँ पे आ रहे हो तो आपको ऑनलाइन वालों के बाद में यहाँ पे टोकन दिया जाएगा। तो इसलिए ऑनलाइन करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको टाइम से टोकन यहाँ पे मिले और आपकी यात्रा टाइम से शुरू हो जाए। लग जाओ यहाँ लाइन पे। तो यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु खड़े हैं सब ऑनलाइन बुकिंग वाले हैं, और हमने भी ऑनलाइन ही करवाया था, तो हमें सिर्फ टोकन ही लेना है यहाँ से। तो उसके लिए एक फॉर्म फिल कर रहे हैं यहाँ पे। और सतलुज नदी देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए। तो जी फाइनली हमें हमारा टोकन मिल चुका है और अब हम लोग अपनी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं किन्नर कैलाश की। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ये देखिए जी, यात्रा शुरू हो चुकी है गणेश पार्क की, और पानी नीचे से ही भर के ले जाना पड़ेगा क्योंकि रास्ते में जो 8 किलोमीटर का सफर है वहाँ पे कोई पानी नहीं है बीच में। फाइनली हमारी यात्रा हो गई शुरू, पकड़ लिए हैं पिट्ठू बैग और चल पड़े हैं। हेलो हेलो, जय भोलेनाथ। हेलो नहीं भाई, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। तो चलते हैं, और किरण के साथ एक पोर्टर भी है जो सामान लेके आ रहे पीछे, ये देखिए वो देखिए। तो आधा सामान इन्होंने उठाया हुआ है क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है, हैवी हो जाता है, तो इसलिए एक पाउडर बनाना जरूरी है। और किसी को अगर बनाना हो तो बन जाएगा यहाँ पे आके, आप लोग भी बना सकते हैं। अगर किसी को सामान उठाने की दिक्कत रहती है तो वो इजीली एक पाउडर बना के जा सकते हैं यात्रा पर। अगर जो उठाने के शौकीन है पीठ पर, वो खुद भी ले जा सकते हैं जैसे कि मैं। रास्ते में चलते हुए न जाने ऐसे कितने पुलों का सामना करना पड़ेगा। अभी तो बहुत ही सुंदर पुल आ रहा है, पहला पुल ये देखिए, गणेश पार्क की ओर जाते हुए पहला पुल। और यात्री देखिए ऊपर चल रहे हैं और हम लोग यहाँ पीछे आ रहे हैं। हेलो गाइस, चढ़ाई। तो चलते चलते हम लोग पहुंच गए हैं उस चेक पोस्ट के पास जहां पे हमारे मेडिकल चेक होने हैं। नीचे तो टोकन मिला तांगलिंग में, लेकिन थोड़ा ऊपर आके अब हमारे मेडिकल चेक होंगे जो हम लोगों ने मेडिकल बनवाए कि हम बिल्कुल फ्रेश है कि नहीं है, एक्टिव है कि नहीं है जाने के लिए। तो सामने देख सकते हैं ये है चेक पोस्ट जी, जहाँ पे चेकिंग होती है मेडिकल की। वहाँ पे भी एक छोटी सी दुकान आप लोगों को मिलेगी अगर आप लोग कुछ भोले बाबा जी की चीज़ें ले जाना चाहते हैं यहाँ से, जैसे कि टी शर्ट भी आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। मेरे पास तो ऑलरेडी है, और यहाँ बेचने वाले उनसे भी मिल सकते हैं। हमें पता ही नहीं था कि आपके पास ये सब है, नहीं तो हमने लाना नहीं था पीछे से भाई। मेरे पास ऑलरेडी था तो मैं वही लेके आ गई। तो जी फाइनली सब यात्रीगण यहाँ पे, जय भोले। और चलते चलते रास्ते में यहाँ के स्थानीय लोगों ने नाशपाती और सेब रखे हुए, ये देखिए। जो कोई भी यहाँ से ले जा रहे हैं वो यहाँ पे श्रद्धा अनुसार यहाँ पे पैसे भी चढ़ा के जा रहे हैं। और किरण वगैरह ये देखिए अभी नीचे से आ रहे हैं, मैं थोड़ा आगे ही आ गई हूँ। ये देखिए रास्ता, और वहाँ से ऊपर चढ़ना है अभी, बहुत लंबा रास्ता है। तो यहाँ पे एक घर है, उन्होंने शायद ये रखे हैं। चलो भोलेनाथ की दया से एक ले लेते हैं, जय भोलेनाथ। और जो ये ग्रीन सेब आप लोग देख रहे हैं इनको बोलते हैं ग्रेन स्मिथ, ये शुगर फ्री होते हैं। तो सारे ये शुगर फ्री एप्पल है, ये देखिए। जो स्थानीय लोग हैं वो भी आ ही रहे मेरी आवाज़ सुन के। तो जी फाइनली आखिरी ढाबा कैलाश नगरी का, और आखिरी ढाबे से आगे थोड़े बहुत नाले छोटे छोटे आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे, और साथ में लकड़ी के ब्रिज, नेचुरल ब्रिज। तो ये थोड़ा सा नाला है जिसको पार करना है। अब हमने इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है, और नीचे से आते हुए ना बताऊँ आप लोगों को एकदम लाल पीले हो गए भाई, बहुत ज़्यादा, इतना बुरा हाल हो गया पसीने से लथपथ। जब हम नीचे से चले चढ़े तांगलिंग गांव से तो इतना पसीना पड़ गया, बहुत ही बुरा हाल। अब यहाँ से ऊपर देखते क्या होता है, और मेरा फूल देख सकते हैं, नेचुरल फूल। ऐसा लग रहा ना जैसे कि
वो पुरानी पुरानी फिल्में नहीं, जैसे वो जंगलों में फिल्में नहीं बनाते सेम वही लग रहा है, ये क्या हो रहा है फूल। तो मुझे एक बहुत सुंदर झाड़ी मिली, मैंने उसका फूल लगा दिया है बस। तो जी चलते चलते हम लोग चल रहे थे और देखिए सामने मेरे फॉलोवर भी मुझे मिल गए जिन्होंने मुझे पहचान लिया। नमस्ते, हर हर महादेव। तो कहाँ से आप? मैं लखनऊ से आई हूँ, कैलाशी पूर्णिमा वर्मा। अच्छा जी, कैसी रही आपकी यात्रा? बहुत अच्छी, बाबा के बहुत प्यारे दर्शन हुए, सुबह 8:30 बजे दर्शन हो गए थे हमारे। जय भोलेनाथ। तो भगवान करे हमारे भी इसी तरह से हो जाए, अभी हम लोग चले हुए तो ठीक है जी, ओके, मिलते हैं फिर, है ना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो भी कूड़ा करकट हो भाई कूड़े में ही डालें, बाकी इधर उधर ना फैलाएं, जैसा यहाँ पे प्रशासन द्वारा बंदोबस्त किया गया है। तो आज देखिए किरण आगे पहुँच गई है भाई, मैं पीछे हूँ क्योंकि मेरे फॉलोवर मुझे मिल गए। इस यात्रा में न जाने मेरे कितने फॉलोवर मिलेंगे। नमस्कार जी, कहाँ से आप? मैं डिस्ट्रिक्ट बदायूं से, बिलसी से हूँ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से। कैसी लगती है आपको? बहुत वीडियो अच्छी लगती है आपकी, बहुत अच्छी वीडियो बना, बहुत अच्छी बनाती है वीडियो आप। थैंक यू, हर वीडियो आपकी लाइक करता हूँ मैं। थैंक यू सो मच। आप आ रहे हैं? आप आ रहे हैं कि जा रहे हैं? नहीं मैं जा रहा हूँ, अभी वापस आ रहे हैं। जी जी, वापस। कैसी रही आपकी यात्रा? बहुत ही अच्छी रही, बहुत ठीक है जी। जय भोलेनाथ। हम भी कर लेते हैं। तो जी चलते चलते हम लोग बहुत ऊपर आ गए हैं और एक विश्राम स्थल के पास बैठ के जूस का एंजॉय कर रहे हैं। हेलो गाइस, आपकी पीठ मेरे पास है। नहीं नहीं, उस तरफ नहीं था, इस तरफ भी है। कुछ यहाँ है, देखो पीछे भी है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पॉटर जी, हेलो। तो ये देखिए जी, दोनों किरण और बेबी दोनों लगे हैं पीने, अच्छी है। पार्वती मासी के घर से आप लोग देख सकते हैं कुछ पैकिंग हुआ है, हमें खुद भी नहीं पता, लेकिन जो वहाँ पे बना रहे थे, वहाँ पे मैस में जो काम कर रहे थे, उन्होंने देखो स्पेशल पैक करके हमें ये भेज दिया है। तो बेबी अभी खोल रही है, देखते हैं क्या क्या भेजा है। वाँ। 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 है ना, है ना, वो बहुत टेस्टी था ये, पता है। अब कोकोनट वाली बर्फी थी। हाँ, शाम को प्रसाद भी मिली थी हमारे को, जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी शाम को। वो भाई लड्डू भी है आपने देखो भाई, ड्राई फ्रूट। ओह माय गॉड, ऐसा तो हमने सोचा नहीं था, कसम से बेचारे भैया ने इतनी अच्छी। इसमें शायद मूंगफली हो सकती है ना, इसमें मूंगफली है, मिल के जाना बोल रहे थे ना। वो तभी बोल रहे थे मिल के जाना, कसम से ना, सच्ची। फ्रेंड्स जब हम लोग टोकन लेने गए ना, तब वो बोल रहे थे कि हमसे मिल के जाना भी, तो उन्होंने खा दी चने। मैं तो नहीं खा सकती हूँ चने, लेकिन आप लोग खाओ। घर वालों ने भी पैक करके नहीं दिया इतना सामान। ड्राई फ्रूट खाते हैं, भैया ने पैक करके दिया। तो सबसे खतरनाक जंगल देख सकते है भाई, इतनी भयानक चढ़ाई चढ़ के यहाँ तक पहुँच रहे हम लोग। और कोई यात्रीगण आते हुए जय भोले, और कोई जाते हुए। उफ। अपने फॉलोवर के जय भोलेनाथ। कौन सा ढाबा आ गया ये? JSK ढाबा। जब आप लोग JSK ढाबे के पास पहुंच जाओगे तो समझ लेना गणेश पार्क यहां से थोड़ी ही दूरी पर है, कम से कम 1-1.5 घंटे की दूरी पर। तो कुछ श्रद्धालु गण यहां पे विश्राम करते हुए जय भोलेनाथ। और हम तो चलते हैं। किरण देखो, आज तो किरण ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया हुआ है, मेरे को भी पीछे छोड़ रही है भाई। जी हम लोग बहुत ही प्यारे व्यू के पास पहुंच गए और सामने देख सकते हैं आप लोग रिकांगपियो का नज़ारा, बहुत नीचे रह रहा है और हम लोग बहुत हाइट पर आ गए हैं। तो एक हमारे यहाँ पे तमिलनाडु से, आप कहाँ से? चेन्नई से। यूट्यूबरा गिव लिंक टू मी, लिंक टू मी, यू लिंक मी। मंजू, मंजू नालंदा। नो नो, आई डोंट ओपन नेट, आई विल सर्च। यहां यू ओपन नेट, ओके ओके। नो नो नो, यू कम हियर, दिस इज वेरी डेंजरस, एटनकाइन वेरी डेंजरस यार।
इंग्लिश बोलना ना आए तो ऐसे बोलना पड़ेगा। ये ठंख्याइन वेरी डेंजरस रोड। थ्री टाइम कैलाश। यू थ्री टाइम कैलाश। 2010 ओके। 2014 नाउ यू आर थ्री टाइम कैलाश। कैलाश मानसरोवर थ्री टाइम्स। 2008 एंड किन्नर कैलाश फर्स्ट टाइम। मानी मगेश फिनिश्ड लास्ट ईयर। वाओ। देन चाचा मित्रा सो मच टाइम्स। वाओ। योर फैमिली नॉट कम। नो दे आर अगेंस्ट मी। चलते हैं गणेश पार्क। दख भाई गणेश पार्क बोलने की दख वो थोड़ी थोड़ी किनौरी भाषा भी आ रही है बीच में ना। चले तो जी 1:30 बजे का समय हो गया है लगभग और गणेश पार्क के दर्शन हो चुके हैं। सुबह 7 बजे से हमारा ट्रैक हुआ था तांगलिंग गांव से। बहुत थकावट हो गई है और गणेश पार्क के दर्शन आप लोगों को भी करवा रही हूँ। अभी तो वैसे काफ़ी दूर ही है, थोड़ी सी चढ़ाई और चढ़नी बाकी है, पर दर्शन हो गए, समझ लो पहुँच ही गए अब हम लोग। ये देखिए गणेश पार्क, यहाँ पर आपको टेंट ही टेंट मिलेंगे। तो आज का स्टे हमारा यहीं पर होगा। और अभी ये रास्ता देखिए और बहुत से श्रद्धालु नीचे से आ रहे हैं। किरण वगैरह भी अभी पीछे रह गए। किरण जल्दी आओ, दिख गया पार्क, गणेश पार्क दिख गया। हेलो गाइस, नहीं जय भोलेनाथ, जय शंकर। यहाँ भी हेलो गाइस हो रहा है। वही तो। तो जी फाइनली गणेश पार्क में पहुंच चुके हैं और किरण वगैरह भी आ रहे पीछे से। और यहाँ पे आके ना थोड़ी ठंड महसूस हो रही है क्योंकि नीचे से जब आ रहे थे तो पसीना पड़ रहा था और यहाँ पे हवा जैसी चल रही है और थोड़ा मौसम भी ख़राब है जिस वजह से ठंड है। तो नीचे से जब चल रहे थे तो दुपट्टे भी परे फेंक दिए थे, लेकिन अभी ये शॉल ओढ़ना पड़ रहा है क्योंकि हवा चल रही है और ठंड लग रही है। और गणेश पार्क का नज़ारा बहुत ही प्यारा। तो यहाँ पर हमने रूम ले लिए है, जो यहाँ का रेंट है एक नाइट का एक मेंबर का 1300 रुपये है। तो वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को। हमारा यहाँ पे टेंट जो हमने लिया है अभी एकदम सामने ही है, तो यहाँ पे पूरे टेंट ही टेंट आप लोगों को मिलेंगे गणेश पार्क में। ठहरने की आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितने भी यात्री तांगलिंग विलेज से चले हैं नीचे से, जिनकी बुकिंग हुई ऑनलाइन, उन सबको यहाँ पे ठहरने के लिए पूरा बंदोबस्त है। और जो ऑफलाइन आ रहे हैं उनके लिए भी है। सबसे पहले तो ऑनलाइन वालों के लिए यहाँ पर बुकिंग होगी, उसके बाद ऑफलाइन वाले। फाइनली पहुँच गए 2 मेंबर और धक्का स्टार्ट गड्डी। थके हारे पहुंच गए और रूम तैयार है जी आप लोगों के लिए। पहले ही चलो टेंट हाउस, टेंटों पे रुक रहे हैं हम लोग। ठीक है तो ठीक है। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को भी। ये जो नीचे से चलो, नीचे से। अच्छा वो ये वाला। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गणेश पार्क में। आप लोग देख सकते हैं ये है गणेश पार्क। तो मॉर्निंग में हमारी यहाँ से आगे की यात्रा शुरू होगी। जो गणेश पार्क आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे टेंट ही टेंट हैं। यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए ठहरने के लिए खाने पीने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। तो रात को आप लोग यहाँ पर स्टे कर सकते हो। जैसे आप लोग सुबह तांगलिंग गाँव से चले हैं तो तांगलिंग गाँव से आके यहाँ तक 8 किलोमीटर का सफ़र है, जो बहुत मुश्किल से तय किया है हमने भी। खैर मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, आराम आराम से चलते रहेंगे, अपने कदमों को देखते हुए चलेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो पहुंच ही जाते हैं और हम लोग यहाँ पे पूरे 2 बजे पहुंच गए, दिन के 2 बजे। सुबह 7 बजे हम लोग नीचे से चले थे टोकन लेके, मैंने बताया था आप लोगों को, और 2 बजे हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं। और अब यहाँ पे हमारा स्टे होगा और 1300-1300 रुपये यहाँ पर आपको चार्ज करना पड़ेगा पे। तो 8 किलोमीटर का सफ़र हमने तय कर दिया है नीचे से ऊपर तक, रोड से यहाँ गणेश पार्क तक। तो यहाँ से जो आगे का सफ़र है वो है फिर से, यानी कि 8 किलोमीटर समझ लो, वैसे कोई 7 भी बोलते हैं, तो टोटल मिला के पूरा 16 किलोमीटर का ये ट्रैक है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, जो किन्नर कैलाश की यात्रा हम लोग करेंगे रोड से, वहाँ से लेके पूरा किन्नर कैलाश तक ये 16 किलोमीटर का सफ़र है। तो आज का स्टे यहाँ करते हैं, मिलते हैं फिर मॉर्निंग में, यानी कि 12 बजे के बाद हमारा रात को ट्रैक शुरू हो जाएगा। तो अभी 2 बजे के बाद हम लोग यहीं पे रेस्ट करेंगे और कल का यानी कि 13 अगस्त का आप लोगों को कल बताऊंगी मैं। बने रहिए आप लोग आज के इस ब्यूटीफुल ब्लॉग में।
और इसके साथ ही हमारा कैंप आप लोगों को बता देती हूँ, सबसे टॉप पे हमारा कैंप है। ये देखिए यहाँ पे येलो येलो आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो जी अब चल पड़े हैं अपने टेंट की ओर, थोड़ी सी वीडियो शूट करके और दिखाते अब आप लोगों को हमारा टेंट कहाँ पे हम लोग रुके। वैसे हम लोग फ्रेश है ना, ऐसा नहीं लग रहा कि थके हुए जैसे, है ना, अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए जी पहुँच गया टेंट में और बैग ऑलरेडी रख दिए गए यहाँ पे, और यहाँ से ऊपर अभी भी यात्रीगण दिख रहे भाई, है ना। यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे हम लोग सुबह रात को, सुबह यात्री सुबह वे रात को, रात को रात को रात को अपने अपने शाम को क्या खाना क्या। तो जी चल पड़े हैं अंदर टेंट में। वाओ जरा यहाँ मैस भी देख के आते हैं जरा क्या है इनके मैस में। हाँ जी ये है किचन यहाँ पे। तो गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून हो गया है, इवनिंग हो गया। क्या बना है अभी किचन में आपने? लेमन टी बन जाएगी, सिर्फ आपने थोड़ी सी चाय पत्ती डालनी है उसमें और लेमन आधा निचोड़ना है, ठीक है। आज खाना क्या बन रहा है आपके पास? आलू पनीर, पनीर भी बन रहा है, मटर पनीर। अच्छा पराठे, वाओ पराठे भी रात को बनते हैं। कॉफी बनाते हैं। अच्छा तो मेरे लिए खाना जल्दी तैयार कर दो आप, कितने बजे तक हो जाना? अच्छा बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली मेरा आज व्रत है ना, तो मैं टाइम से खाना खाना चाहती हूँ, भगवान भोलेनाथ जी का। चलो ठीक है, पहुँच गया अपने टेंट में और अब करते हैं रेस्ट। यहाँ देखो याद देखो फाइनली थोड़ी सी धुंध हट चुकी है और हमें भोलेनाथ जी के दर्शन भी हो गए यहाँ से गणेश पार्क से। ये देखिए वाओ भाई वाओ, है ना। तो ये है वो शिला, ये देखिए जय हो भोलेनाथ। और हम लोग ना यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे टेंट के अंदर, उतने को आई आवाज कि भोलेनाथ जी ने दे दिए हैं दर्शन, गिर गए। मुझे लगा पता क्या है ना, हाँ देखो देखो अभी बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं, देखो और मौसम भी साफ हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं पूरी धुआंधार वादियां अब व्हाइट हो रही है। अच्छा लग रहा है और लोगों का यहाँ पे टाइम पास नहीं हो रहा है, लगता है कुछ मेला मूला लगाना पड़ता है। तो जी गणेश पार्क में हो गई है शाम, आप लोग देख सकते हैं ये शाम का टाइम है 7:30 बजे का, और कुछ इस तरह से दिख रहा है नीचे लाइटें लुइटें सब लोग, और हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है। कोई दिख रहा है क्या? दिखाती हूँ मैं आप लोग, ये देखो। तो हम लोग बैठे हैं यहाँ देखिए, क्योंकि ठंड भी बढ़ रही है, जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे ठंड भी हो रही है, लेकिन एक खुशी की बात है कि देखिए मौसम कितना साफ लग रहा है। वाओ सुबह तक भगवान करे भोलेनाथ ये मौसम इसी तरह बने रहे तो हमारा शुभ हो जाए, बढ़िया हो जाए, दर्शन मिल जाए बढ़िया करने को। वैसे तो दर्शन यहाँ से भी मिल गए, हल्के से मैंने दिखाया ना, वही ना, यही खुश होके जा रहे हैं ना, हाँ जिनको यहीं से वो ऐसे सोच के ही जा रहे हैं, सोच के। हाँ हमने नहीं जाना, हमने दर्शन, अरे जाना है, अधूरा छोड़ के नहीं जाना है, हाँ पूरा जाना है, वही तो। यहाँ ऊपर भी लाइट, ये लाइट कौन सी है वहाँ देखना, एक यहाँ एक वहाँ, वही लाइट है ये यहाँ जो जनरेटर वाला ना, ये है ना खराब हो गया, वही तो, ये दो दो लाइटें दिख रही है आपको पता है। आप उठ के दिखाओ तो यहाँ से ऊपर कितनी लाइटें, देखो देखते हैं जरा लाइटें अपने टेंट से बाहर निकल के देखते हैं। अरे वाह कितनी अच्छी लाइटें ऊपर तक। तो हमने रात को चलना है ना, तो रात को चलने के लिए देखिए लाइटें वही रास्ते में इस तरह से लगी हुई है ना, और यहाँ से हमको रास्ता भी पता लग गया हमने कैसे जाना है, इन लाइटों से हाँ ऊपर टॉप पे पहुँचना है हमको, वही इतनी मेहनत की हुई इन लाइटों को लगाने की, नहीं इतना ऊपर तक टॉप तक, सच में बहुत अच्छा है। देखो लाइटें कहीं ना कहीं दिख ही रही है, और देखो मौसम कितना सुंदर, बर्फानी वादियाँ, वाओ क्या होगा, ये भी है लाइट एक, हाँ अब होने को ही या फिर शायद पता नहीं कौन होंगे। और ये है भी गणेश पार्क का रात का शाम का नज़ारा, इतनी रात तो नहीं हुई है लेकिन जो हमारा सफ़र होगा वो 1 बजे होगा, अब 1 बजे तक हम लोग सोएंगे इन टेंटों में। ये देखिए हमारा टेंट यहाँ जैसे,
और यहाँ पे पता नहीं खाना कब बन रहा है। मेरे जूते कहाँ गए? मेरे पहन के चले जाओ। नहीं नहीं यहाँ से चल जाऊंगी, यहाँ दिख रहे मेरे को। पूछ तो लेते यार, जिसने 7 बजे बोला खाना बनाने को, अभी तक 8 बजने वाले हैं, अभी तक खाना ही नहीं बनाया, ये कैसी बात होगी है? वही तो बोलना पड़ता है। यहाँ देखो लाइन लगी हुई है, सब लोग इंतजार में खड़े है। कहाँ गए भाई लोग? अभी चार्ज नहीं हुआ। ओ यहाँ तो थालियां लगी हुई है, सब लोग नींद से बैठे हुए। ये देखो भाई यहाँ प्लेटें लगी है, खाना दो, भूख लगी है, खाना दो। 7:30 बजे का टाइम है भाई, 8 लग गए बजने है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रही, मजाक कर रही हूँ। एक्चुअल में आप भी इतने दूर रेडी है? रेडी है, सिलेंडर खराब हो गया ना इसलिए। अच्छा लेकिन यहाँ टेबल तो पहले लग गया, आपने बोला हम आपको बोलेंगे पहले, ये क्या बात हुई? सबसे पहले बैठिए था आपके। हाँ ठीक है ठीक है। अभी रोटियाँ बनी रही थी है ना? बन रही थी, अभी बनता है। अच्छा जब से आपने बोला ना मटर पनीर बनाए, तब से रहा नहीं जा रहा है कंट्रोल, बड़ी मुश्किल से किया। अरे सच में मटर पनीर खतरनाक ही बना दिया है भाई, और साथ में राजमा है ना, किनौरी राजमा है। ठीक है ठीक है, बहुत बड़ी बात है। चलिए जी चलिए, लाइट लगा दी है, बोलिए कुछ बोलना है क्या? लाइट तो वास्तव में बांध दे तो खाना खा लेंगे सब। चलो अच्छी बात है, ये थोड़ी देर इमरजेंसी लाइट थी जो मैंने कैमरे की ऑन की हुई है, बाकी तो यहाँ पे लाइट ही नहीं अभी। हाँ ये वीडियो चली हुई थी आपकी। अरे सारे प्लेटे लेके खड़े बैठे हुए खड़े नहीं है बैठे हुए। अभी जनरेटर जब तक नहीं आता तब तक नहीं होता है, मतलब ठीक कर रहे है कुछ कर रहे है पता नहीं। अरे खतरनाक सीन भाई, क्या चले देखने? जानने की बड़ी इच्छा हो रही है। पर एक बात है देखो, बर्फानी वादी ना चमक रही है, बाकी सारी पहाड़ियाँ काली दिख रही है, लेकिन जो बर्फ है ना ये देखिए कैसे दिख रहा है, चांद निकला है। और ये है जी गणेश पार्क से चांद का नजारा, और तारे भी दिख रहे हैं अब तो। रिकोंगपियो यहाँ जैसे से नहीं दिखेगा, थोड़ा नीचे जाके दिखेगा, यहाँ से दिखेगा वैसे। ये देखिए रिकोंगपियो भी दिख रहा है, रिकोंगपियो का बाजार, लाइटें ही लाइटें। ये देखिए दिखा जी, फाइनली हमारा डिनर रेडी हो गया है, थाली में लग चुका है चपाती और मटर पनीर, और ये देखिए जी किनौरी राजमा। वाओ मजा आ रहा है, जो मजा ना जमीन पे बैठ के खाने का ना वो नहीं है भाई टेबल पे। वैसे तो टेबल भी था यहाँ पे, लेकिन हमने सोचा हम जमीन पे बैठ के खाएंगे। अब तो दिखाऊंगी। तो जी फाइनली हम कर लेते हैं गर्मा गर्म खाने का एंजॉय, और साथ में ना दही भी भाई इतनी हाइट पर आके मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। वाओ गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो हो गई है मॉर्निंग हमारी 13 अगस्त की, थर्ड डे है आज। लेकिन शाम को ही पता चला यहाँ पे कि ऊपर किन्नर कैलाश की यात्रा करने के दौरान पत्थर आ रहे हैं, तो आप लोग सुबह वाली यात्रा नहीं कर सकते हैं, एक दिन के लिए यात्रा स्थगित कर दी गई है। इसलिए आप लोगों को नेक्स्ट डे की मॉर्निंग में ये यात्रा करनी पड़ेगी, यानी 14 तारीख की मॉर्निंग में हमें ये यात्रा करनी पड़ेगी। हमें आज जाना था वहाँ पर, लेकिन पत्थर आने की वजह से तो हम नहीं जा पाए हैं। लेकिन मॉर्निंग 5:30 बजे का ये व्यू मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अभी किरण वगैरह सोए हुए, और बाहर जैसे मेरे को आदत है सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने की, वैसे मैं बाहर निकली हूँ। लेकिन उस शिला के, भगवान भोलेनाथ जी की शिला के दर्शन अभी बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। मौसम थोड़े थोड़े बादल जैसे हैं, लेकिन अच्छा है, मौसम साफ ही है, शायद इतना हाइट पर आने की वजह से ये बादल रहते ही है, तो बारिश तो नहीं हुई है। लेकिन रात को ऐसी ओस जैसी नीचे पड़ी हुई है, मिट्टी थोड़ी थोड़ी गीली है, और ठीक है अच्छा है। मैं आप लोगों को भी करवाती हूँ 5:30 बजे के दर्शन भोलेनाथ जी की शिला के, और चारों तरफ का नज़ारा ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, इतनी मॉर्निंग में ये सब देखने को बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज का दिन यहीं पे ही गणेश पार्क में हमें बिताना पड़ेगा, और अब कल सुबह जल्दी जाके भोलेनाथ जी के दर्शन करने पड़ेंगे, तो रुकते हैं आज यहाँ पे ही। क्या कर सकते हैं, भोलेनाथ जी की जब कृपा होगी तभी जा पाएंगे, ऐसे नहीं जा पाएंगे। और ये देखिए जी गणेश पार्क का नज़ारा, हमारा टेंट भी आप लोगों को दिखा देती हूँ,
किरण भी निकल गई है बाहर दर्शन करने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज तो भाई किरण का बर्थडे है। बहुत बहुत मुबारक हो ना। सो मच। मुझे लगा कि मैं ऊपर जाऊंगी आज, है ना। आज किरण का सपना था कि आज भोलेनाथ के पास जाके इसको अपना बर्थडे मनाना है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन दर्शन यहाँ से ही हो रहे हैं। कोई बात नहीं ना, भगवान की कृपा है कि ये देखिए दर्शन यहाँ से हो रहे। तो आप लोग देख सकते हैं सब लोग अपने अपने टेंटों से बाहर आके भोलेनाथ जी की वीडियो शूट कर रहे हैं। सब लोग इसी तरह से सोच रहे हैं कि हमें भी आज पहुँचना ही था। जहाँ पे भी देखो सब लोग अपने अपने टेंटों के बाहर कुछ इस तरह से नजर आएंगे आप लोगों को। ये देखिए गणेश पार्क में जितने भी टेंट हैं, ये देखिए बस यही पहाड़ी थी हमें जो आज तय करनी थी, और हम लोग पहुंच भी गए होते अभी यहाँ पे अगर रात को चले होते, मतलब आधे रास्ते तक पहुंच गए होते। हाँ, है ना, पहुंच गए होते। हाँ। और जहाँ से हम लोग आए वहाँ का नज़ारा भी देख सकते हैं, कितनी धुआंधार वादियाँ जिनको हमने नीचे छोड़ दिया है। वाओ, बहुत ही प्यारा व्यू। और ये गणेश पार्क मॉर्निंग 5:30 बजे का व्यू, और किन्नर कैलाश के दर्शन। ओम नमः शिवाय। यात्रा स्थगित होने के बाद जिस तरह से टाइम पास किया जा रहा है, तो किरण और पूजा लग गए हैं अपनी पूजा में। यहाँ पे बनाए जा रहे हैं गर्मा गर्म परौंठे, नहीं तो टाइम पास कैसे होगा। गुड मॉर्निंग जी, हैप्पी बर्थडे गर्ल। आज बर्थडे गर्ल को यहाँ पे आके भाई सबका अपना सहयोग दे रही है और सबका भला कर रही है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। वाह यार, है ना, सच में। आज किरण के हाथों के और पूजा के हाथों के परौंठे और किरण का बर्थडे है, तो आज किरण अपने बर्थडे की पार्टी परौंठों से दे रही है। अपने हाथों के परौंठे बना के दे रही है भाई। बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं कर लेती हूँ यम्मी यम्मी परौंठा टेस्ट। बहुत यम्मी है, बहुत अच्छा है, टेस्टी है। तो फ्रेंड्स यात्रा को रोक दिया गया था पत्थरों के आने से, लेकिन भक्त जन नहीं रुक पाए अपनी भक्ति भाव में आने से। जब उनको पता चला कि किन्नर कैलाश के दर्शन हो रहे हैं 13 तारीख की सुबह, तो वो सब लोग अपने अपने टेंटों के बाहर निकल के पूजा आरती करने में लग गए। आप लोग देख सकते हैं कितने भक्ति भाव से वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। जब उन्हें पता चला कि किन्नर कैलाश के दर्शन आज यहीं से ही हो रहे हैं, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। नहीं तो शाम को हम भी डर गए थे कि जब पुलिस वालों ने हमें बताया कि आप लोगों की यात्रा आज रुक जाएगी क्योंकि पत्थर आए हैं, रास्ता ख़राब हो गया है, जब तक रास्ता नहीं बनता है तब तक आप लोग नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे पुलिस वाले, होमगार्ड वाले, डॉक्टर और भी बहुत से लोग जितना हो सकता है प्रशासन की तरफ से यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प की जा रही है। अगर कोई श्रद्धालु ऊपर फंस जाते हैं, आ नहीं पाते हैं, तो उनको पुलिस वाले पीठ पर उठाकर, होमगार्ड वाले पीठ पर उठाकर नीचे लाते हैं। और आप लोग देख सकते हैं किन्नर कैलाश के दुर्लभ दर्शन, बहुत ही दुर्लभ दर्शन। जय किन्नर कैलाश। और ये है पुलिस वालों के टेंट और होमगार्ड वालों के टेंट यहाँ पे, जो दिन रात अपनी सेवा देने में यहाँ पे तैयार बैठे हैं। जब इनको कहते हैं कि 1 बजे चलना चाहिए, 2 बजे चलना चाहिए रात को, तो वो उसी टाइम तैयार है। 12 बजे बोलो, 9 बजे बोलो, तो वो पूरी तरह से पूरी हेल्प करते हैं सभी श्रद्धालुओं की। और ये देखिए साथ में आग भी यहाँ पे जलाते हैं जब ठंड लग जाती है किसी को, क्योंकि ठंड भी हो जाती है सुबह शाम यहाँ पे, बारिश जब हो जाती है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही किन्नर कैलाश की यात्रा का भाग 2 भी यहीं पे स्टॉप करती हूँ। मिलते हैं अब 3रे भाग में। बने रहिए आप लोग ब्लॉग में।